हैं हम सभी विशेष आत्माओं को ढूंढने के लिए, और हमें पढ़ाने के लिए भी, और उनके तीन मुख्य उनका रोल है शिक्षक, सतगुरु और माता पिता, और पतित पावन, उस पे भी हम देखेंगे। तो जैसे शिक्षक अपने पिता, जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं प्यार से, तो परमात्मा भी हमारे आत्माओं का पिता है और वो वही करते हैं। जैसे कि लौकिक पिता कोई जैसे कि मैजिक नहीं घुमा सकते हैं कि बच्चे इस तरह से बिहेव करें, पढ़ें, लेकिन वो उन्हें एक उसकी लैंग्वेज सिखाते हैं। तो परमात्मा आते हैं शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने के लिए, फिर से पढ़ाने के लिए, री एजुकेट करने के लिए, क्योंकि हमें इतनी मिस एजुकेशन है, इतनी सारे हमारे अंदर आते हैं संस्कार हैं जो बिल्कुल ही काम की नहीं है, उल्टा की हमारे हमें हार्म करती हैं, हमारा नुकसान करती हैं। तो हमें क्या हुआ, हम दुखी हो गए, दर्द से भर गए और मूंझ गए। तो परमात्मा आते हैं इस समय हमें भरने के लिए, हमें वापस ले जाने के लिए, हमारी आंतरिक सुंदरता को वापस लाने के लिए, और एक सुंदर संबंध जोड़ने के लिए, और सुंदर परिस्थितियों को लाने के लिए। क्योंकि हम कह सकते हैं कि कोई प्रकार का बग या वायरस होता है जब हम डाउनलोड करते हैं, तो वो टीचर बनके वो ये संपूर्णता हमारे अंदर की उसे डाउनलोड करते हैं, हमें सिखाते हैं नए तरीके से चीजों को देखना, उस पर फिर कर्म करना, एक नए तरीके की जीवन बनाना। मुझे लगता है कि जो ये अगली स्लाइड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखें और इसे लिखें या पिक्चर ले लें और उसे अपने जैसे कि मन में, दिमाग में उसको छाप लें। जब सॉफ्टवेयर अपने मन को दोबारा लिखते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, ये सब आत्मा के अंदर जाती है और एक अंदर जैसे छाप लगा देती है। कई बार हम सुनते हैं समाचार, इतनी नकारात्मक होती है, कई बार हम फिल्में देखते हैं जो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो हम सारा अपने मन का जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग दोबारा करते हैं, तो हम अपने जीवन को प्रिंट आउट को हम बदल सकते हैं। आपको अपने लाइफ की प्रिंट आउट कैसी चाहिए? क्या आप खुश हैं अपने जीवन में, जो भी हो रहा है, जो भी परिस्थिति है, कि आप सभी चीज से खुश हैं, हर संबंध से खुश हैं? तो सोचें उसके बारे में कि क्या प्रिंट आउट है हमारी लाइफ का। देखो, हमारे अंदर बहुत सारी यादें हैं, स्मृतियां हैं, और वो कुछ स्मृतियां काफी दर्दनाक हैं, कुछ इमोशनल हैं,
कुछ बहुत दुख से भरी हुई हैं जो हमें दुख देती हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं, तो ये सब हमें साफ करना है। वो सारे नकारात्मक यादें, दर्द, दुख जो हमने इकट्ठे करके रखी है आत्मा के अंदर, उसको हम वायरस कह सकते हैं, लेकिन वो एक रेगुलर वायरस नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वायरस है, आत्मा आध्यात्मिक। और हम सभी जानते हैं कि एक वायरस क्या कर सकता है। कई बार ये वायरस तो हाथों से बाहर ही निकल जाते हैं, तो परमात्मा आते हैं, भगवान आते हैं, हमारा पिता इस समय आते हैं और ये सारे वायरसेस को निकाल देते हैं। और वो करते हैं हमें पावन बनाकर, और सारी जो भी उनकी पवित्र ऊर्जा है वो डाउनलोड करके आत्मा में भर देते हैं, और यही आत्मा को नया बना देता है। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप देखें इस चित्र को आपके सामने स्क्रीन पर। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट है इसमें, और जैसे ही हम इसे देखते हैं, हम उस लाइट को देख रहे हैं कि वो फिलामेंट से आ रही है बल्ब में। लेकिन क्या आप कभी फिलामेंट देख पाते हैं? नहीं, कई बार हमें तो वो ग्लोब भी नहीं दिखता लाइट का, हम खाली एक लैम्प शेड देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यही हमारी कहानी है। हम आत्माएं, जो मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर पहन रही हूँ, जो वो बल्ब जैसे ग्लोब है उसका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेष हमारी मेडिटेशन में, जिसमें हमें याद करना है कि मैं सही में कौन हूँ और मैं किस पर मेडिटेट कर रही हूँ। मैं ये पूरा शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। और अब हम मेडिटेट करेंगे, तो अब बैठे एकदम आराम से, अपने मन को साफ करें। ये जो चित्र है वो मेरा चित्र है, देखें अपने आप को इस चित्र में। मैं आत्मा मस्तक के बीच, अपने मन को ऊपर की तरफ ले चलें, पिता के पास, आत्मा के पिता। अपने पूरे दिल से, सच्चाई से, सफाई से जुड़े उस एक से, केवल एक, जो मुझे बहुत मेरा कल्याण करता है। उस एक से जुड़े और फिर उसे निमंत्रण दें कि वो आए, वो शक्ति, ऊर्जा मुझ पे, मुझे भरपूर कर दे अपनी लाइट से, अपनी सत्यता से। मुझे भर दे अपनी उपस्थिति से। मैं सही में चाहती हूँ आपको जानना, मैं आपको समझना चाहती हूँ, और मैं
आपके मैं बन जो बेस्ट है वो बनना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो मैं तभी कर सकती हूँ आपसे जो बेस्ट है उससे कनेक्ट होकर और उनसे बेस्ट सूत्र जो सोर्स है उससे लेकर जो सभी अच्छाई का सूत्र है और मुझे हल्कापन महसूस होता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कमाल महसूस हो रही है शांत बैठे परमात्मा से जुड़कर जो सूत्र है सभी अच्छाई का कुछ पलों के लिए उन्हीं के साथ रहे And feel that gratitude महसूस करें अपने भीतर वो आभार परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ओम शांति मैं शांत हूँ आप भी पीस हैं शांत हैं Okay, now we will start again. अच्छा अब हम फिर से शुरू करेंगे And I hope you enjoy connecting. मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा परमात्मा से जुड़ने का अपने पिता के रूप में अब माता के रूप में पिता मुझ आत्मा के साथ उनका एक जैसे कि एक अम्बिकल रिलेशनशिप है उनके साथ जो नाभि का संबंध होता है जो एक माँ एक बच्चे और माँ का संबंध नाभि से जुड़ा हुआ होता है और परमात्मा का प्यार भी एक मात्र एक माता की जैसे हमारी आत्मा को हील करता है परिवर्तन करता है फीलिंग्स को ये बहुत जरूरी है कि जो हमें हमारा ध्यान करती है हमें हमारे साथ जुड़ी रहती है आलिंगन करती है क्योंकि उनका आह्वान करने से हम वो अनादि कनेक्शन को जागृत करते हैं तो आह्वान माना क्या आह्वान माना कि मैं सक्रिय हूँ और मैं खुद अपने आप को जैसे ओपन अप करती हूँ जैसे आप अगर बाहर निकलते हैं
और अगर आप सूरज के सामने आ जाएंगे और अपना चेहरा सूर्य की किरणों के नीचे रखेंगे, तो मैं सूर्य को जैसे आह्वान कर रही हूँ और मैं एक पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं उसे निमंत्रण दे रही हूँ, तो वो जैसे कि उसको पकड़ के रखना, माँ को उसके आलिंगन में आना और वो महसूस करना वो प्यार, वो पोषण जो निस्वार्थ है। जो शक्तिशाली रचता है वो हर आत्मा का रचयिता तो ये एक लिंक है इंडिविजुअल जो परमात्मा के साथ जुड़ता है हमारे समझ के हिसाब से। तो मैं और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का ये जैसे मिलन, तो जो समझ है अंडरस्टैंडिंग वो बहुत जरूरी है जीवन में। तो मैं आपसे अनुभव ये साझा करना चाहूंगी। एक बार मेरी दोस्त, उसने कुछ किया और मेरे को लगा उन्होंने ऐसे क्यों किया, और पूरा महीना निकल गया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों किया। और फिर उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब मैं समझ पा रही हूँ कि आपने ऐसे क्यों किया, और क्योंकि मैंने अब समझा तो मैं इसे स्वीकार कर पा रही हूँ। तो ज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये कोर्स कर रहे हैं तो हर चीज को जैसे अंधश्रद्धा से नहीं लेना, लेकिन इसे समझना है, क्योंकि समझना केवल दिमाग से नहीं होता है लेकिन दिल से भी उसे स्वीकार करना होता है, अपनी फीलिंग्स से। तो हमें बहुत ही सच्चाई से रहना है अपने आप से। फिर से जो इन्वोकेशन है, माना कि आह्वान करना, ये एक सक्रिय है। मैं आपको कुछ चित्र बताऊंगी, वो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेंगी, और ये चित्र आपको दिखाएगा कि कैसे जानवर अपने अपने माता पिता को के साथ कैसे उनका आह्वान करते हैं, और हम उस आह्वान कर उसे आह्वान करके अपने अनादि कनेक्शन को आह्वान करते हैं। देखिए इसमें कितनी फीलिंग्स हैं, जो बच्चे की अपनी माँ के प्रति, माँ के पास जाकर और उससे प्यार लेने की, अपने आप को खो ओपन अप करने की माँ के लिए, माँ को। ये भी एक और है जो बच्चा अपने माँ के पास जाके और खुल के अपने आप को उसका आह्वान करता है, माँ के अटेंशन का, माँ के ध्यान का, माँ के प्यार का। और ये भी एक कितनी सुंदर है, मैंने कभी छोटे घोड़े को नहीं ऐसे देखा, और माँ तो घास खा रही है लेकिन बच्चा उसके ऊपर जैसे चिपक गया है माँ के, फिर से वही फीलिंग के लिए सेफ्टी, सुरक्षित और प्यार। और अगला चित्र जब भी मैं देखती हूँ तो मैं हंसना नहीं छोड़ती, किस तरह से ये सुंदर सा चित्र है, लेकिन आपको आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे माँ और बच्चे का संबंध कितना प्यारा होता है, जैसे एक दूसरे से चिपकने का। और दूसरा संबंध है पिता का, तो पिता हमारे को जीवन में जैसे हमारा हाथ पकड़ के, हमें शक्ति भर के
हमें चलाता है, हमें निर्भय बनाता है और हमें तैयार करता है नए घर के लिए, जो हमें पूरे घर का ध्यान रखता है। तो हमारा पिता भी अपना घर छोड़ के ऊपर नीचे आया है हमें घर ले जाने के लिए, हमें उस शांति की स्थिति में ले जाने के लिए, ऐसी स्थिति जहाँ अनंत शांति है। केवल शांति नहीं लेकिन अनंत शांति। तो वो रचता है नई रचना का पुराने दुनिया में। जैसे बच्चा अगर उसको नया दांत आ रहा है तो पुराना वाला इतना उसे दर्द देता है, उस पर वो कुछ चबा नहीं सकता क्योंकि नया दांत आ रहा है। तो दो शक्तियां अंदर हमारे दुनिया में चल रही है, एक पुरानी जो बहुत पुरानी होती जा रही है, दुख दर्द से भर रही है, लेकिन एक नई शक्ति भी बन रही है और वो नई शक्ति है जो हमें जागृत कर रही है हमारे अंदर चित्त में, हमारे भीतर। वो हमें एक नया आध्यात्मिक जन्म दे रही है परिवर्तन के द्वारा। हमारा चित्त में परिवर्तन आ रहा है तो हम महसूस करते हैं कि वो चेहरा अब हम नहीं देखते, लेकिन हम अब आत्मा है उस चेहरे के पीछे, आत्मा जो इस आँखों से देख रही है। मैं आत्मा, मेरा शरीर है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं शरीर और मेरी आत्मा है। हमें आत्मा नहीं है लेकिन हम है ही आत्मा। इसलिए हमें ये याद रखना है कि मेडिटेशन में कि हम आत्मा जो ध्यान करती है, मेडिटेट करती है, और पिता जो पतित पावन है वो शांति से, सच्चाई से, पवित्रता से काम करता है, और हम वो वाइब्रेशंस सत्यता पवित्रता की हम आत्मा में आने देती हैं और वो ये परिवर्तन लेके आता है मुझ में। नहीं तो न केवल मनुष्य आत्माओं में लेकिन जानवरों में, पांच तत्वों में, सभी में, उन सभी को वापस अपनी संपूर्ण सत्य और ऑर्डर स्टेट में लेके आता है। नेक्स्ट मेडिटेशन में हम उनकी पवित्र शक्ति को हम अपनी आत्मा की सफाई करने देंगे और हमें नया बना देंगे और हमें वापस अपनी पवित्रता की स्थिति में स्थित करेंगे। तो अब हम ये लास्ट मेडिटेशन करेंगे। आप आत्मा है, छोटी सी बिंदी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आपका पिता, परम पिता, वो भी एक छोटी सी बिंदी है, ज्योति स्वरूप, लेकिन वो पवित्र दिव्य शक्ति को प्रवाहित कर रहे हैं। उस शक्ति और पवित्रता की ऊर्जा को आप भीतर ले लें, अपने मन को खोलें, अपने दिमाग को खोलें और अपने आप को देखें, महसूस करें, इस शक्ति को भीतर आते अपने अंदर भरते हुए, पूरे शरीर को भरते हुए इस शक्ति से।
एक जैसे प्रवाह अच्छाइयों का, अपने अंदर लेते हुए, आत्मा को पावन बना रहा है। जितना पवित्र बन रही हूँ मैं आत्मा, उतना सुख महसूस करती हूँ। जितना पवित्र बनती हूँ, कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। हाँ, कोई भी प्रकार का दुख जो हम अनुभव करते हैं वो अपवित्रता के कारण है। इसलिए केवल अपने भीतर वो प्रकंप महसूस करें पवित्रता की शक्ति के, दिव्यता की शक्ति के। केवल अच्छाइयां भीतर प्रवेश कर रही है, केवल पवित्रता। और कितना अच्छा लग रहा है जागृत होना, अपने स्वयं की सुंदरता के प्रति, अपने खुद की पवित्रता के प्रति। इस अमृत को पिए परमात्मा से लेकर, इसे भीतर लेने और बाहर जाने दें, भरते हुए स्वयं को पवित्रता और दिव्यता से। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, परमात्मा से जुड़कर, परमात्मा जो सूत्र है उनकी शक्तियों की अमृत को पी रही हूँ। ओम शांति। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको, मुझे लगता है आपको जरूर कोई प्रश्न होंगे, तो शरीन बहन देखेंगी आपके प्रश्नों को और वो मुझे देंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूंगी, और प्रश्न अच्छे ही होते हैं। जैसे मैंने कहा, आप जो भी सुन रहे हैं उसे अंधश्रद्धा से ना माने, अंधविश्वास से। अच्छा, तो एक प्रश्न है कल के सेशन के बेसिस पर। किसी ने पूछा है कि कितना लंबा समय लगा आपको आत्मा अभिमानी स्थिति को का अभ्यास करने में। कल हम उसका उत्तर नहीं दे पाए थे, तो मुझ पे आप डाल रही हैं ये प्रश्न।
आपके अलावा और कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता अच्छे से। डॉर्थी बेन कह रहे हैं कि ये सब की एक अलग यात्रा है, हर ये एक ongoing process है। मैं 100% तो soul conscious नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही हम वो कर पाते हैं 24 घंटे तो हम अपने perfection stage पे पहुंच जाते हैं और हम इस body में नहीं रह पाएंगे, हम फरिश्ता बन जाते हैं। इसलिए हर आत्मा के लिए ये अलग है। ऐसा नहीं कि हम कितनी देर तक आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन होता है आपके भीतर जब तक आप वहाँ हैं। दूसरा एक प्रश्न है, वो है कि आपने कहा टीचर के बारे में कि परमात्मा शिक्षक है, क्या हमें क्या कोई जूम पर परमात्मा से सीख सकता है जैसे वो शिक्षक बनके? वो शिक्षक है, वो हमें ज्ञान देते हैं और ये ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है उनसे कैसे जुड़े। जैसे कि हम कार चलाते हैं, हम अपना रास्ता बनाते हैं, उसमें डालते हैं जीपीएस में रास्ता डालते हैं और जीपीएस हमें वो रास्ता दिखाता है हम अपने मंजिल पर जाने के लिए। तो ज्ञान ये एक तरीका है कि कैसे हमें उनसे कनेक्ट करना है, उनसे कैसे लेना है। हाँ, आप परफेक्शन में जूम से पहुंच सकते हैं इसे समझ कर। क्या जो ये रास्ते पर चलते हैं उन्हीं को परमात्मा की दुआएं मिलती हैं, या जो नहीं चलते हैं उनको भी मिलती हैं? परमात्मा केवल दुआएं ही देता है, वो तो जैसे सूर्य की तरह है जो हर समय देता ही रहता है, दाता है। लेकिन आप अगर भी अंदर हैं और कोई बादल आ जाता है तो वो सूर्य की किरणें हम तक पहुंच नहीं पाती, ना वो पौधों तक पहुंच सकती है, ना कोई इंसान पे जो भीतर है। तो ये जो बादल है वो हमारी नकारात्मक संकल्पों की है, वो तो देता ही रहता है पवित्र किरणें हर समय, हमें हमारे अंदर भरता ही रहता है। इसलिए दुआएं तो हर समय है ही, लेकिन निर्भर करता है हमारे पर कि हम उनका आह्वान करते हैं कि नहीं। तो ये आह्वान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनका आह्वान करें, हम सक्रिय रहें कि हम उनको उनके साथ कनेक्ट करें। आप कैसे ये ज्ञान को बांट सकते हैं इतने सकारात्मक तरीके से, बिना इससे महसूस कराए कि आप उन्हें कोई भाषण दे रहे हैं? खुद उस ज्ञान को का स्वरूप बनने से हम इसे बांट सकते हैं, हमें किसी को भी इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वयं बनकर उसका स्वरूप बनकर, उसका सार में आकर, सहनशीलता का सार में रहकर, खुशी के स्वरूप में केवल वो ऊर्जा बनकर, और उसे दूसरे उसे महसूस कर सकेंगे और वो आकर आपसे कहेंगे, जैसे मोरा ने वो भाइयों से पूछा वो ग्रुप में कि आप कितने खुश लग रहे हैं। और ये आखिरी प्रश्न है, आपने अपना प्रश्न खत्म कर दिया था ना, तो आज अभी ये आखिरी प्रश्न है जो थोड़ा सा भारी है। तो जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी का, वो कहते हैं कि उन्होंने एडम ईव को क्रिएट किया, और क्योंकि उन्होंने जो पनिशमेंट उनको मिली, तो वो पनिशमेंट क्यों इतनी भारी सीवियर है?
जब वे फ्लड होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, तो ये जो हम देखते हैं कि दुख है, वो हमारे खुद की अपवित्रता के कारण है जो हमने इकट्ठी की है आत्मा के अंदर। आपने देखा उस आत्मा का चित्र कि वो लड़की कितनी सुंदर थी और फिर बाद में बदसूरत हो गई। तो परमात्मा क्या हमको फिर से सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। तो आत्मा के अंदर जो भी अपवित्रता आ गई है, और हम इसके बारे में और जानेंगे बाद में, लेकिन हमने खुद ही अपनी सत्यता को हमने छोड़ दिया और हम अपने खुद के रास्ते को भूल गए और हम अपने खुद के ही स्वरूप को भूल गए कि हम आत्मा हैं। तो परमात्मा नहीं हमें सजा देते, लेकिन हमारी खुद की अपवित्रता हमें दुखी देती है। वो तो बहुत प्यारे हैं परमात्मा, तो माता पिता हैं, इतना प्यार देते हैं, दुख हरता सुख करता है, जो हमें केवल सुखी देते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं वो हम अगले हफ्ते उसको लेंगे। अगले हफ्ते भी हम परमात्मा का पाठ पढ़ेंगे उसी के बारे में, और फिर से आपके साथ मिलेंगे। तो अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।